हेलो स्टूडेंट क्लास, मीडियम साइंस काफी सारे टॉपिक हो गए हैं, रेगुलर टॉपिक होते जा रहे हैं, तो इसलिए फेवरेट कॉपी अपने साथ रखें और साथ ही साथ उनको नोट भी कर लेना। देखो स्टार्ट करते हैं। कल काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था ना, मैंने किसे कहते हैं उदाहरण मानव निर्मित कृषि किसे कहते हैं, इसके उदाहरण प्राकृतिक कृषि किसे कहते हैं, इसके उदाहरण प्राकृतिक कृषि में भी आपने दो टाइप पढ़ाया था, तो इन दोनों टाइप को भी हम लोग लिख रहे हैं प्राकृतिक कृषि में पादपों से प्राप्त कृषि जो मटेरियल जितना इजीली एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल पाए
रहेगा वो उतना अच्छा प्लास्टिक होगा, मतलब उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगा। जो भी पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, उसको गर्म किया पिघला के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इजीली बदला जा सके, वो उतने अच्छा प्लास्टिक होता है और उसकी प्लास्टिकता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब प्लास्टिक का आप समझ सकते हो प्लास्टिक के गुण। तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं और लिखने हैं, याद भी होने चाहिए। मानव निर्मित जैसे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसके कारण, प्राकृतिक जैसे जो प्रकृति से मिलता है उसके कारण, पादपों से प्राप्त वैसे आपने छठी में पढ़े, जंतु से प्राप्त वैसे आपने सातवीं में पढ़े, दोनों को उदाहरण किताब में दिए हुए हैं। पॉलीमर अभी समझाया है, मोनोमर अभी समझाया है, प्लास्टिक समझाया है, प्लास्टिक अभी भी समझाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ठीक है।